पनीर कैप्सिकम बनाने के लिए सबसे पहले पनीर के स्लाइसेस को हम लोग शैलो फ्राई कर लेंगे और उसे निकाल के अलग रख लेंगे। फिर उसी में हमें प्याज भी फ्राई करना है और कैप्सिकम भी फ्राई करना है और सबको अलग रख लेंगे। फिर उस पैन में हम लोग डालेंगे दालचीनी, बड़ी इलायची, एक बे लीफ। हम लोग डालेंगे उसमें प्याज, जो पिसा हुआ प्याज है वो, और साथ में टमाटर फ्राई करेंगे। फिर उसमें डालेंगे हल्दी, धनिया पाउडर, सब्जी मसाला पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, कसूरी मेथी। फिर एक जार में हम लोग सूखा हुआ काजू बादाम डालेंगे और साथ में लहसुन, जीरा, हरी मिर्च और काली मिर्च डाल के उसका पेस्ट बनाएंगे। फिर उसे भी डालेंगे। फिर जो भी फ्राइड इंग्रेडिएंट है वो डालेंगे और फिर उसमें पानी डाल के उसे अच्छे से मिक्स करेंगे, कुछ देर कुक करेंगे और धनिया पत्ता से गार्निश करके सर्व करेंगे। रेसिपी तैयार है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।